चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा फसल अवशेषों का यथास्थान मशीनीकृत प्रबंधन महाअभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने हरी झंडी दिखाकर 4 अक्टूबर 2018 को किया। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पोषित 12 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के खेत पर प्रदर्शन हेतु पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की रैली हिसार शहर में निकाली गई। इन मशीनों में हैप्पी सीडर, चॉपर, जीरो टिल मशीन, गोल्ड बोर्ड प्लो, सेलेसर तथा सर्फ मास्टर मशीनें शामिल की गईं। दिनांक 4 व 5 अक्टूबर 2018 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मेला ग्राउंड में रबी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले का थीम फसल अवशेषों का यथास्थान मशीनीकृत प्रबंधन रखा गया था। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर धान पराली प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा के कुल 4,855 धान उगाने वाले गांव के 10,000 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दो दो गांवों में 5 दिवसीय पराली प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा दो दो स्कूलों व एक एक कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, आलेख प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों पर पेंटिंग, कियोस्क, बैनर व होर्डिंग लगाए गए हैं। किसानों के खेतों पर फसल अवशेषों का यथास्थान मशीनीकृत प्रबंधन करने हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शन के लिए 1,25,00,000 रुपए की मशीनरी कृषि विज्ञान केंद्रों को उपलब्ध कराई गई है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एवं जागरूकता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें किसान व कृषि वैज्ञानिक शामिल हैं। पराली प्रबंधन की जानकारी प्रदान करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और भूमि की उर्वरा शक्ति घटने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ फसल अवशेषों का यथास्थान मशीनीकृत प्रबंधन करने संबंधित एक महाअभियान के माध्यम से भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किसान इसके महत्व को समझें तथा इस पर अमल करें। हरियाणा सरकार भी फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रही है। पूरे प्रदेश में 871 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनसे किसानों को पराली प्रबंधन हेतु मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है व किसानों को मशीनरी खरीदने हेतु 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रख रही है। हरसिक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा के किसान इस महाअभियान से सहमत हैं तथा फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों को समझते हैं। हरियाणा सरकार व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मिलकर इस महाअभियान को तब तक चलाए रखेंगे जब तक यह बुराई जड़ से समाप्त न हो जाए।